हम सबके पास एक दोस्त तो होता ही है जो उधार मांगता है छोटे मोटे खर्चे के लिए, और दोस्ती तो पैसों से बढ़कर है, तो आप बिना सोचे समझे दे भी देते हो। लेकिन अगर ये अमाउंट ज्यादा हुआ तो शायद आप पैसे देने से पहले थोड़ा सोचोगे और बेचैनी में रहोगे जब तक आपका पैसा वापस नहीं आ जाता। इसी तरह बैंक्स जब लोन्स देते हैं उन्हें भी तो बेचैनी होती होगी। वेल नॉट रियली, बिकॉज दिस इज वेयर क्रेडिट रेटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। तो आइए इस टर्म को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, लेकिन इसके पहले आपको जानना होगा कि क्रेडिट रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है। इंडिविजुअल्स और बड़े कंपनीज को कई सारे लोन्स की जरूरत होती है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबका बैकग्राउंड रिसर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये चीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है। ये एजेंसीज एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं अबाउट दीज कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स हु वांट टू अवेल फॉर अ लोन। इस एनालिसिस में लोन रीपेमेंट हिस्ट्री, कोई लीगल इंक्वायरीज, ऐसी चीजें चेक करी जाती है। देयर आर मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, जैसे CRISIL एंड ICRA। तो अब बढ़ते हैं क्रेडिट रेटिंग की ओर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपका पास्ट डेटा देखकर, रिसर्च और एनालिसिस के थ्रू जब अनबायस्ड ओपिनियन फॉर्म करते हैं, विच हेल्प्स टू नो कि इस कंपनी के कितने चांसेस है लोन रिपे करने के। इससे कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। ये क्रेडिट रेटिंग AAA और D के बीच में दी जाती है, wherein AAA is considered as the best rating। आपकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उतना ही उनके फंड्स वापस मिल जाने के चांस है। वी होप कि आपको क्रेडिट रेटिंग क्या है और कौन इससे प्रोवाइड करता है ये समझ आ गया होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर दो अलग चीजें हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को टू नो मोर सच फाइनेंशियल टर्म्स, और अगली बार अपने दोस्त को पैसे उधार देने से पहले इस वीडियो को जरूर याद करना।